कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा पार्ट नंबर 10 है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में दिए गए ऑप्शन हेडर, फुटर, पेज नंबर, वर्ड आर्ट और साथ ही हम सीखेंगे सिंबल डालना। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें तभी आपको समझ आएगा कि इन ऑप्शंस को हम एमएस वर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में हमने क्रॉस रेफरेंस तक कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर कैसे डालते हैं और साथ ही हम सीखेंगे सिंबल कैसे डालते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेडर की। आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट जब बनाए जाते हैं तो उसमें एक हेडर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है और डेट होती है या कोई टाइटल लिखा हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं हेडर। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे इनबिल्ट हेडर दिए गए हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसा कि हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सफ़ीर कंप्यूटर। जब आप हेडर लेते हैं उसके साथ ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप हेडर में ऊपर कितनी स्पेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नीचे कितनी स्पेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ क्लोज हेडर पर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप डॉक्यूमेंट में हेडर आ चुका है। अब हेडर का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कई पेजेस की कोई बुक लिख रहे हैं या कोई फाइल बना रहे हैं तो आपको हर पेज पर ये हेडर मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एंटर एंटर करके अगर नीचे आएँ तो देखिए यहाँ पर सेकंड पेज में ऑटोमेटिकली हेडर आ चुका है। तो ये होता है हेडर। ज़्यादातर बुक्स में हेडर इसलिए लगाते हैं ताकि ऊपर पेज नंबर आए और साथ ही जो टाइटल चल रहा है या कोई स्टोरी बुक है तो उस स्टोरी का नेम ऊपर आता रहे, तो इसके लिए हेडर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस हेडर को डिलीट करना चाहते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ हेडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप या तो एडिट कर सकते हैं हेडर को या फिर आप हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव पर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम एक यहाँ पर हेडर डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टाइटल दे दिया है और यहाँ पर ईयर चूज़ कर लेता हूँ, मैं कैलेंडर से मैं चूज़ कर लूँगा। तो ये हो गया हेडर और यहाँ हमें कोई और सेटिंग नहीं करनी है, हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में काम करते वक्त हम जब सेकंड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम थर्ड पेज पर आएंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो आप समझ गए होंगे कि हेडर का क्या काम होता है। इसके बाद दूसरा आता है फुटर। फुटर में और हेडर में ये फ़र्क होता है, हेडर पेज के ऊपर होता है और फुटर जो है वो पेज के नीचे होता है, बाकी सारी चीज़ें इनमें सेम होती हैं। तो जैसे कि हमें इस पेज में फुटर डालना है तो हम फुटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ फुटर में आपको काफ़ी सारे इनबिल्ट फुटर मिल जाएंगे कि आप किस तरीके का फुटर रखना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये वाला रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज में फुटर आ गया है। यहाँ पर हम अपनी बुक का या स्टोरी का या कंपनी का नेम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर ऑटोमेटिक आता रहेगा। मान लीजिए हम सेकंड पेज पर जाते हैं, यहाँ पर पेज नंबर खुद से आ गया है, पेज नंबर 2। इसी तरह हम पेज नंबर 3 में जाते हैं, यहाँ पर भी ये ऑटोमेटिक आ गया है, नेम भी आ गया और पेज नंबर भी आ गया है। जैसा कि आप बुक्स में देखते होंगे कि हर पेज के नीचे पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके लिखा होता है, तो ये सब कुछ डाला जाता है फुटर से। इंसर्ट में आएंगे, फुटर में जा कर के यहाँ से रख सकते हैं। जब आप हेडर और फुटर डाल लेते हैं तो उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन में जा कर के आप पेज नंबर डाल सकते हैं, आप डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं और आप कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हमें फोटो में फ़ोटो डालनी है तो हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप फ़ोटो चूज़ कर लेंगे कौन सा फ़ोटो आप रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो फोटो में फ़ोटो आ गया, हम इसको छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करके यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर लेंगे। तो फोटो में जब हम फ़ोटो डालते हैं यहाँ पर आपको वही सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो मैंने आपको पिक्चर वाली वीडियो में बताया है। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो वीडियो भी, और यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अब क्या होगा, हर पेज में आपको ये इमेज मिलेगी क्योंकि आपने इस इमेज को फोटो में डाला है, तो हर पेज के फोटो में आपको ये इमेज मिलेगी। इंसर्ट में आएंगे, फोटो में जाएंगे, यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी और भी ऑप्शंस हैं। आप क्लिप आर्ट भी डाल सकते हो, तो यहाँ से आप हेडर टॉप फुटर बॉटम में चूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ये ऊपर कितनी स्पेस छोड़ के स्टार्ट होना चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर फुटर, फुटर नीचे से कितनी स्पेस छोड़ के स्टार्ट होना चाहिए वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करके आप इनकी सेटिंग क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर डालने का। इसके बाद आता है यहाँ पर पेज नंबर, आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डाल सकते हैं। जैसा कि आपने हेडर लिया है या फुटर लिया है तो उसमें भी आप पेज नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई न्यू फाइल ली है तो आप उसमें भी पेज नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने न्यू फाइल ली हुई है, अब मैं इसमें पेज नंबर रखना चाहता हूँ तो यहाँ पेज नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ से आप टॉप में, बॉटम में, या आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर टॉप में रखना चाहते हैं इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आप लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में, राइट में, किस तरीके से आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ से हम क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, जो भी पेज हम बनाएंगे हर पेज पर हमें पेज नंबर मिलता रहेगा। यहाँ पर हम एंटर एंटर करके सेकंड पेज पर जाएंगे तो आप देख सकते हो सेकंड पेज में भी पेज नंबर आ चुका है। इसी तरह हम थर्ड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पेज नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डाल सकते हैं। इंसर्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको काफ़ी सारे बने बनाए इनबिल्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें से कोई एक आप चूज़ कर लेंगे किस तरीके का बॉक्स आप लेना चाहते हैं। जैसा कि हमें ये वाला चाहिए, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट इसमें हम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में आएंगे और यहाँ से हम स्क्वायर चूज़ कर लेंगे, और फिर इसको हम उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। और अगर हमें इसका साइज़ कम करना हो तो हम इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं। यहाँ से अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके हम इस तरीके से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला रख लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने तरीके से बॉक्स को डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखूँगा तो इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इंसर्ट में यहाँ पर आता है वर्ड आर्ट का ऑप्शन, इसमें आप वर्ड आर्ट डाल सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट मिल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाला डालना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ से आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ड आर्ट आपके बॉक्स में आ चुका है, आप इसको यहाँ से बाहर भी डाल सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी भी जगह वर्ड आर्ट डालना है तो हम कर्सर वहीं पर रखेंगे और यहाँ वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी लेंगे, यहाँ पर हम कुछ नेम टाइप कर देते हैं, उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड और यहाँ से फॉन्ट, उसके बाद यहाँ ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ड आर्ट आ चुका है, अब इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वर्ड आर्ट डालते ही आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है,
यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं और इसको आप यहाँ से शेडो भी दे सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पर इसको 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ से आप शेप फिल कर सकते हैं और आप शेप को भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पर चेंजिंग करनी हो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद इंसर्ट में आता है सिंबल का ऑप्शन। जैसे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई सिंबल डालना है, आइकन आपको डालना है, आप यहाँ सिंबल में आएंगे, यहाँ से आप सिंबल चूज़ करेंगे, कॉपीराइट, डॉलर, इस तरह के सिंबल मिल जाते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें कॉपीराइट सिंबल डालना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉपीराइट सिंबल आ चुका है। इसको हम यहाँ होम में जा करके इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड इटैलिक भी हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम जो चाहे लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप कोई बुक या कोई मैगज़ीन लिखते हैं तो उसमें हेडर फुटर पेज नंबर ज़रूर डाला जाता है। तो यहाँ बाकी के ऑप्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस सभी की करनी है।